भोजपुरी फिल्म जगत के दो बड़े सितारे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भले ही आज सुपर स्टार हैं, लेकिन सुपर स्टार बनने से पहले इन दोनों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। सही मायनों में जमीन से उठा हुआ स्टार इन्हें कहा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ये दोनों ही सुपर स्टार बनने से पहले क्या करते थे, सुपर स्टार बनने की राह में ये दोनों कौन कौन सा काम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के फिल्मी सफर पर नजर डाले तो पहले पवन सिंह एक छोटे से गांव के किसान परिवार के बेटे हैं, जो कि बहुत मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किए हैं। पवन सिंह ने अपने सफर की शुरुआत एक गायक के रूप में किए थे। उनका भोजपुरी का पहला एल्बम था ओढ़निया वाली, जो कि 1997 में रिलीज किया गया था। उस समय पवन सिंह का उम्र महज 11 वर्ष था और दर्शकों को यह एल्बम बहुत पसंद आया। और कुछ साल के बाद फिल्मों में उन्हें जगह वर्ष 2007 में आई फिल्म जिसका नाम था रंगीली चुनरिया तोहरे नाम से इसमें मिली। इस फिल्म में पवन सिंह मुख्य अभिनेता के तौर पर काम करते हुए नजर आए थे। फिर फिल्मों में कई सालों तक संघर्ष करते रहने के बाद उन्हें सफलता मिली और दर्शकों के दिलों में उन्हें एक खास जगह पवन सिंह बना लिए। पवन सिंह ने बहुत से गाने गाए लेकिन उनका गाना जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था लगावे लू जब लिपस्टिक, यह गाना पूरे भारत और विदेशों में हर शादियों और पार्टियों में सुना जाने लगा। इस गाने से पवन सिंह को काफी प्रसिद्धि मिली। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक बड़े नाम भी हैं। पवन सिंह का नाम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर तब आया जब उन्होंने 2008 में इस गाने को गाया था लॉलीपॉप लागेलू। यह गाना किसी भी भाषा के लोगों को झूमने पर बहुत ज्यादा मजबूर कर देती थी। वर्ष 2007 में उनकी पहली फिल्म का नाम था रंगीली चुनरिया तोहरे नाम से, जिसमें पवन सिंह अच्छी भूमिका निभाए। उसके बाद वह जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज के समय में हम लोग के इंडस्ट्रीज के पावर स्टार के नाम से जाने जाने लगे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जीवन के बारे में। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव के बचपन की कहानी बहुत ही दयनीय एवं प्रेरणादायक है। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता एक किसान के रूप में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। खेसारी लाल यादव का बचपन बिहार के छपरा के सिवान में व्यतीत हुआ है। खेसारी को बचपन से ही नृत्य गाना गाने का बेहद शौक था। खेसारी लाल अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिल्ली में धागा कटाई का मशीन चलाया करते थे। वह अपने सभी भाइयों और बहनों में सबसे बड़े थे। उसके बाद इनकी शादी हो गई। घर परिवार का खर्च अधिक होने के कारण खेसारी ने दिल्ली के ओखला संजय कॉलोनी में लिट्टी चोखा का दुकान भी किया और इस काम में पत्नी भी उनका सहयोग किया करती थी। यह सिलसिला लगभग 2.5 साल तक चलता रहा। यहाँ तक कि खेसारी लाल गांव-गांव में अपने कला का प्रदर्शन भी किया करते थे। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जाने के लिए इन्होंने फोर्स की अपनी नौकरी भी छोड़ दी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में पहुँचने के लिए खेसारी लाल को बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर कहीं इन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। खेसारी वहीं से फेमस हो गए। आज लगभग भारत के कई राज्य और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेसारी लाल यादव विख्यात है। भोजपुरी के ये दोनों ही सुपर स्टार इस इंडस्ट्रीज में शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, तब जाकर आज इस इंडस्ट्रीज में शिखर पर विराजमान है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में भोजपुरी के ये दोनों ही सुपर स्टार के जीवन की कुछ खास कहानियों के बारे में जाने होंगे। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।